जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा पुराना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। यहां पर आज हम आए हैं हरियाणा प्रदेश का जिला सोनीपत, उसके अंदर है विधानसभा क्षेत्र गन्नौर। गन्नौर के अंदर देवेंद्र कौशिक ने अपने आज विधानसभा चुनाव का आगाज किया है, हवन यज्ञ किया है, आहुतियां दी गई हैं। उनके साथ में यहाँ के दो बार सांसद रहे रमेश चंद्र कौशिक जी भी, उनके बड़े भाई भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों का हुजूम यहाँ पर भारी संख्या के अंदर जो है दूर दूर से जो है हर गांव से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। गन्नौर क्षेत्र का चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, जीटी रोड से देखो, चाहे गोहाना रोड को देखें, चाहे सोनीपत रोड को देखें, ये बात है रोड को देखें, चारों तरफ से जो है रेलवे रोड को देखें, ये जो लोगों का आवाजाही इतनी तीव्र गति से है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन है इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के तो लगा हुआ, लेकिन ऊपर से धूप नीचे से व्यवस्था बनाना, लोगों के पसीने छूट रहे हैं। तो आपको आज हम एक ताजा तारीन, आज जो आगाज हुआ है एक चुनाव का, एक विधानसभा चुनाव का नौर क्षेत्र से, वो आप देखेंगे लोगों के क्या कहने हैं। और यहाँ पर जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र कौशिक आए हैं उनके प्रति लोगों का क्या कहना है और दूसरे कैंडिडेट्स के बारे में क्या कहते हैं। भाई साहब, आपका जो है आज आपने अपने चुनाव के लिए जो श्री गणेश कर दिया है, तो इसके बारे में आपका पहला जो है जनता के लिए क्या संदेश क्या है कि किस प्रकार से आपकी तैयारी रहेगी। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और आज हमने कार्यालय का उद्घाटन किया, बहुत भारी संख्या में लोगों का जनसमर्थन आप सबके सामने मिल रहा है और लोगों में बहुत जोश है। जो हमने 30-35 साल राजनीति में हो गए, लोगों के का इतना प्यार इतना प्रेम मिला है कि मुझे लगता है कि हमारी चुनाव एक तरफा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, इतना ही, फिर करेंगे बात।